सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, हम यहां पर 2×3 इसका मतलब भी हम 6 लिखा करते हैं और 2×3 इज इक्वल टू 6 लिखते हैं क्योंकि दोनों का मतलब हम यहां गुणा ही समझते हैं। ठीक है, तो ये साधारण बीजगणित है। ये क्या है? साधारण बीजगणित है, लेकिन सदिश बीजगणित में इस डॉट का मतलब अलग होता है, इस क्रॉस का मतलब अलग होता है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। इसलिए हमें वहां पर पढ़ाया गया था कि जो अदिश राशियां होती है इनको साधारण बीजगणितीय नियमों की सहायता से जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जा सकता है, लेकिन सदिश राशियों को साधारण बीजगणितीय नियमों की सहायता से जोड़ा घटाया गुणा व भाग नहीं किया जा सकता। यानी कि ये सदिश बीजगणितीय नियमों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। इनके लिए अलग से हमने क्या किया था? बीजगणितीय नियम बनाया था। यानी कि डॉट अलग हुआ, क्रॉस अलग होगा। इसी आधार पर क्या कर रहे हैं, यहां पर सदिशों का गुणनफल पढ़ रहे हैं और सदिशों का गुणनफल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। यह है आपका सदिशों का अदिश गुणनफल, है ना, प्रकार दो होंगे। पहला है सदिशों का अदिश गुणनफल, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, और दूसरा होता है सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल बोला जाता है कि दो वेक्टर हैं आपके पास में, यह है वेक्टर ए और यह है आपका वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है? थीटा है। ठीक है, दोनों के बीच का कोण थीटा है। तब वेक्टर सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे लिखा जाता है? तो उसको लिखने का तरीका होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसा पढ़ा जाता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, ये मॉड से परिचित है आप लोग, इससे परिचित है कि नहीं? मापांक पढ़ा के हो चुका है, यस और नो? ये पढ़ा के हुआ ना। ऐसे मापांक किसको बोलते हैं? किसी सदिश का मापांक वह धनात्मक संख्या जो किसी सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है, मापांक कहलाती है या निरपेक्ष मान कहलाती है। तो ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और पढ़ेंगे क्या इसको? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ सॉरी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब हो जाता है ए। मैंने आपको बताया था उसे कि अगर मॉड के अंदर कोई भी सदिश जाएगा, मॉड के अंदर कोई भी सदिश जाएगा तो ये मॉड हट जाएगा और इसका तीर का निशान भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? इसको ए लिखा जाएगा। क्लियर? तो तीर का निशान हट गया, तो ए का भी निशान हटा दीजिए, बी का निशान हटा दीजिए, तो क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। ये हो गया आपके पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसको पढ़ा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, और इस गुणनफल को सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं।
बिंदु गुणन भी कहते हैं, बिंदु गुणन, क्या क्या नाम है इसका, बिंदु गुणन भी कहते हैं। सदिशों के अदिश गुणनफल के क्या क्या नाम है, बिंदु गुणन, इसी को डॉट गुणन भी कहते हैं, डॉट गुणन, या इसी को आंतरिक गुणन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा गुणन, आंतरिक गुणन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब अगर इसको आपको परिभाषा देना है कि सदिशों का अदिश गुणनफल किसे कहते हैं, तो किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच की पूज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या है बताइए, वेक्टर ये क्या है, पहले सदिश का परिमाण है, वेक्टर बी क्या है, दूसरे सदिश का क्या है, परिमाण है। तो ये परिमाण हो गया, इनटू लगा दिया हमने यहां पर, इनटू गुणा कॉस, कॉस को क्या बोलते हैं, कॉस को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूज्या, साइन को ज्या बोलते हैं, कॉस को पूज्या बोलते हैं, और टैन को स्पर्श ज्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, कॉस क्या पड़ेगी बताइए, क्या पड़ेगी कॉस को, कोज्या, ये समझ गए, कोज्या, ठीक, साइन को ज्या, कॉस को कोज्या, टैन को स्पर्श ज्या कहते हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका परिमाणों, दोनों सदिशों के परिमाणों और दोनों सदिशों के बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, इसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। और हमको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इतना याद करना है कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है, परिभाषा देना दे सकते हो, परिभाषा दे सकते हो किन्हीं दो सदिशों के का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों और दोनों सदिशों के परिमाणों और दोनों सदिशों के बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, इसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। लेकिन हमको परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब यह है दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनके बीच का कोण थीटा है, तब सदिशों के अदिश गुणनफल को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा होता है। इसको और थोड़ा सरल करते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, इसे बिंदु गुणन, डॉट गुणन या आंतरिक गुणन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, यस और नो, राइट। अब इसमें कुछ कंडीशन है उसको देख लीजिए, कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हो तब, यदि दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हो तब थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, थीटा इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ये हो गया दो सदिश, यह है वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी, अभी ऐसा बना हुआ कोण है क्या नहीं, अब बताइए ये कम होते जाएगा, मान चलिए 30 अंश का कोण है, कम होते होते 20 10 5 2 3 1, ये कैसे हो गए एक दूसरे के बताइए, कैसे हो गए, कैसे हो गए एक दूसरे के, समांतर हुए कि नहीं हुए बोलो, ऐसा था ना पहले, अरे ऐसा था 30 फिर 20 फिर 10 फिर 5 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर कितना 0। तो दोनों सदिश जब एक दूसरे के समांतर होंगे तो थीटा बराबर कितना बनेगा, कितना होगा थीटा इज इक्वल टू, अरे बोलो भाई, अरे ये 30 था, 20 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, अब कितना होगा, तो 0 होगा कि नहीं, हाँ,
असमानता जब भी आएगा जीरो ही आता है, याद रखना। कुछ ही कंडीशन में आपको ऐसा लगेगा रहेगा कि जीरो नहीं आएगा, नहीं तो जब भी समांतर लिखेंगे कोण का मान जीरो बनता होता है। क्लियर हो गई बात? तो थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो डिग्री। अब इसको कहां रखो, यहां पे मान रखो, इतना देखते हैं। इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान कितना होता है बताओ, कॉस जीरो का मान कितना, वन होता है, वन। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी, आपको मैं लिखवा देना उस दिन, साइन नहीं लिखवाया क्या, साइन जीरो कॉस जीरो, साइन नाइन्टी कॉस नाइन्टी, और साइन वन एट्टी और कॉस वन एट्टी, ये कम से कम इन तीनों मान आपको, तीन दूनी छह मान आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी। अब है आपका कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड, यदि दोनों सदिश कैसे हो, एक दूसरे के या परस्पर भी लिखते हैं उसको, एक दूसरे को ना परस्पर परस्पर लंबवत हो, तब आप बताइए थीटा इज इक्वल कितना होगा, लंबवत हो, ये एक है, ये देखिए ये कितना कोण बना, 90 अंश, क्लियर है ना। लंबवत शब्द का मतलब ही होता है 90, लंबवत शब्द का मतलब क्या होता है, 90 होता है, ठीक। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। इसलिए फिर से मान रखू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, जीरो। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जब समांतर रहेंगे तो ए बी आएगा, और लंबवत रहेंगे तो जीरो आएगा। तो मुझे ये बताइए, अगर आपको ये बोला गया कि दो सदिश जो है, दो सदिश है और वो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या सिद्ध करना पड़ेगा बताइए। दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी, और अगर आपको बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, उनका अदिश गुणनफल क्या करोगे, शून्य लाकर दिखाओगे, क्या करोगे, शून्य लाकर दिखाओगे, उनका अदिश गुणनफल जो है वो शून्य लाकर दिखाओगे। अगर मान चलो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो हम बोलेंगे दोनों सदिश कैसे परस्पर लंबवत है। जैसे पिछले साल आप लोग करते थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसमें क्या होता था कि बताइए कि अदिति हल होगा कब, तो उसकी शर्त होती थी कि नहीं अपने पास, यदि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तब दोनों जो जो समीकरण होंगे उनका हल कैसा होगा, कैसा होता था, अद्वितीय होता था कि नहीं, यस आर नो। तो कंडीशन थी ना तुम्हारे पास, वैसे ये भी कंडीशन है कि यदि आपको दोनों सदिशों को, दो सदिश दिए रहेंगे आपके पास, और आपको बोला जाएगा कि भाई सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो आपको क्या लाकर दिखाना पड़ेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो लाकर दिखाना पड़ेगा। अगर आप जीरो लाकर दिखा देते हैं तो दोनों सदिश कैसे कहलाएंगे, कैसे कहलाएंगे बोलिए, लंबवत कराएंगे। तो ये क्या बन गई बताइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या बन गई, लंबवत होने की क्या बन गई, शर्त बन गई, क्लियर, ऐसा नो। तो जब भी आपको सिद्ध करना रहेगा तो आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो लाकर दिखाना होगा। यस, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, तीन नोट दे रहा हूं, पांच पांच सौ के, इनको रख लीजिए आप, ठीक है। पहला नोट 500 का तुम्हारी हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर
मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि सदिशों का जो अदिश गुणनफल है, सदिशों का जो अदिश गुणनफल है यह क्या करता है? यह क्रम विनिमय नियम का क्या करता है? पालन करता है। समझ में बात? मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। क्लियर? यस और नो? जैसे सदिशों का योग क्या करता था? सदिशों का योग क्रम विनिमेय नियम का पालन करता था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिखते थे, वैसे सदिशों का गुणनफल भी क्या? सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का कौन सा गुणनफल है? कौन सा गुणनफल है? सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो सदिशों का अदिश गुणनफल जो है वो क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखा जा सकता है। पहला नोट हो गया। दूसरा नोट आपकी ओर, कैच करिए। नंबर टू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू एक अदिश राशि प्राप्त होती है। कैसी राशि प्राप्त होती है? अदिश राशि। इसलिए हम इस गुणनफल को सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। समझ में आ रही बात? हमने इसको सदिशों का अदिश गुणनफल क्यों कहा, जबकि हम तो गुणा सदिशों का कर रहे हैं। सदिशों का गुणा करने पर तो क्या मिलना था? सदिश राशि मिलना था। लेकिन यहां कैसी राशि मिलती है? कैसी मिलती है? अदिश राशि मिलती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आपको कार्य, एक सूत्र होगा कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। पढ़े हो आपने? ये पढ़े हो क्या? यह सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, ठीक है? अच्छा, मुझे बताइए, बल है वेक्टर एफ, बल सदिश राशि क्या? अदिश राशि है। बल सदिश राशि है क्या? अदिश राशि है। सदिश राशि है, हाँ सदिश राशि है। ये डॉट विस्थापन बताइए, सदिश है क्या अदिश है? हाँ, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो ये हो गया वेक्टर डी। अब देखो वेक्टर एफ
ये सदिश है, ये भी सदिश है, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, दोनों सदिशों का गुणा किया आपने वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी, तो हमको मिला कार्य, और कार्य जो है ये एक कैसी राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। समझ में आ गई बात, यानी दो सदिशों का गुणा करने पर हमको क्या मिली, अदिश राशि मिली, और कौन सा गुणा करने पर, कौन सा गुणा करने पर, डॉट वाला गुणा करने पर, ठीक समझ गए। तो मेरे हिसाब से ये 2000 का नोट समझ में आ गया तुमको, हाँ यस। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, अदिश राशि प्राप्त होती है। क्यों होती है, ये देख सकते हैं आप, उदाहरण मैंने बता दिया, बल सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, दोनों का गुणा करने पर हमको एक अदिश राशि कार्य प्राप्त हुई, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इस गुणनफल का नाम क्या दिया गया, सदिशों का अदिश गुणनफल, क्योंकि यहां पर दो सदिशों का गुणा करने पर, अदिश गुणनफल करने पर, डॉट गुणनफल करने पर हमको एक अदिश राशि क्या होती है, प्राप्त होती है, इसलिए इसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। क्लियर हो गया सबको, यस। थर्ड, थर्ड है आपका सदिश का वर्ग, सदिश का वर्ग बराबर सदिश के मापांक का वर्ग, याद रखना मापांक का वर्ग, सदिश का वर्ग बराबर सदिश के मापांक का वर्ग, ये होता है, इसको मिटा देते हैं अब। ये तीसरा नोट है आपकी ओर, फिर से सदिश का वर्ग बराबर सदिश के मापांक का वर्ग, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि अगर आप वेक्टर ए का वर्ग करते हो तो वो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर कहलाएगा, यदि आप किसी सदिश का वर्ग करते हो तो वो सदिश के मापांक का वर्ग कहलाएगा, और आपको मालूम है कि मापांक जब लगता है किसी सदिश पर तो वो क्या कर देता है, क्या कर देता है, बोलिए, हाँ वेक्टर को क्या कर देता है, हटा देता है ना, वेक्टर को हटा देता है, ठीक है। तो वेक्टर जब हटा देगा तो क्या आएगा बताइए, ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं, याद रखेंगे इसको भी। तो बताइए कितने नोट हो गए आपके पास, हाँ कितने, तीन, दो दो हजार के तीन नोट, पहला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, अर्थात सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू अदिश राशि, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल करने पर अदिश राशि प्राप्त होती है, इसलिए इसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। और तीसरा है सदिश का वर्ग बराबर सदिश के मापांक का वर्ग, अर्थात मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्लियर। चलिए अब हम एक एक करके क्या करते हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे निकालेंगे देखते हैं। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए इज इक्वल टू ऐसा लिखा जाता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर दो घटकों में तोड़े हो तो दो घटक रहेंगे, तीन घटकों में तोड़ोगे तो तीन घटक। मैंने यहाँ कितने घटकों में तोड़ा हूँ, कितने घटकों में, सदिश को कितने घटकों में विभाजित किया हूं, बोलिए, तीन घटकों में। कल मैंने बताया था आपको कैसे लिखा जाता है, बताया था कि नहीं, कल मैंने आपको बताया था वेक्टर ए को जब दो दो लंबवत घटकों में, दो समकोणी घटकों में विभाजित किया जाता था तो हमने कैसे लिखा था, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, लिखा था कि नहीं, तो वैसे ही ये लिख दिया हम वेक्टर ए। अब वेक्टर बी भी लिख देते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल टू इसको लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई, ये एक्स वाई जेड नीचे लिखे हुए हैं चरणों में, जे कैप है ना, प्लस ए सॉरी प्लस बी जेड के कैप, ये आपके पास में दो वेक्टर है ना। अब इनका हमको गुणनफल करना है,
ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिख देते हैं पहले ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट वेक्टर बी का मान बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, राइट? यस नो, होगा ऐसा सही है? आप मुझे बताइए यहां पर जब हम इनका इंटू करेंगे तो कितने पद मिलेंगे, यहां पर कितने पद मिलेंगे, कितने पद मिलेंगे बोलिए। हाँ, कितने पद, तीन नहीं नौ पद मिलेंगे। इसका गुणा इसमें करोगे एक दो तीन मिले, फिर इसका गुणा इसमें करोगे एक दो तीन मिले, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे एक दो तीन मिले, कितने पद मिलेंगे हैं? नौ पद मिलेंगे कि मिलेंगे? तो अब नौ पद मिलने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ, है ना। तो चूंकि आई से आई वाले का गुणा होगा, फिर आई से जे का होगा, आई से के का होगा, तो उसके लिए मैं एक आपको नियम बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए आप इसको, इस तरह से, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं डॉट, हम डॉट कर रहे हैं यहां पर, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो गया के कैप, यहां पर आई कैप, यहां पर जे कैप, यहां पर के कैप, ठीक है। हाँ, अब देखो आई कैप से आई कैप वाले तो गुणा करता हूं, आई डॉट आई, आई डॉट आई वन होता है, याद रखना, फिर आई डॉट जे जीरो होता है, आई डॉट के जीरो होता है, जे डॉट आई जीरो, जे डॉट जे वन, जे डॉट के जीरो, फिर के डॉट आई जीरो, के डॉट जे जीरो, के डॉट के वन, क्या समझे, कुछ समझ में आया? हाँ, मतलब समान यूनिट वेक्टर का समान एकांक सदिश का गुणा करने पर एक मिल रहा है, और असमान एकांक सदिशों का गुणा करने पर क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, शून्य मिल रहा है। देखो आई से आई का गुणा किया एक मिला, जे से जे का गुणा किया एक मिला, के से के का गुणा किया एक मिला, है कि नहीं, और बाकी सबका जिसका भी गुणा किया सब क्या हो गए हैं, सब क्या हो गए, शून्य हो गए। तो मुझे ये बताइए अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर, वैसे यहाँ पर हम जब आई का गुणा सब में करेंगे तो केवल केवल आई से आई का गुणा करेंगे तब एक मिलेगा, और बाकी के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो हम अब यहाँ पर नौ पद क्यों लिखेंगे, जब हमको पता चल गया कि आई से आई का गुणा करने पर एक होता है, बाकी के साथ गुणा करने पर आई का सब क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो हमको यहाँ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको यहाँ, हमको यहाँ i से i वाले का बड़ा गुणा कर देना चाहिए, j से j वाले का गुणा कर देना चाहिए, और k से k वाले का गुणा कर देना चाहिए। बात समझ में आ गई, हाँ सही है कि गलत है, बताओ सही है ना। तो अब हम नौ पद क्यों लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे i कैप से i कैप का गुणा करो। तो ये देखो ax bx और i कैप इंटू i कैप कितना होता है, वन होता है, प्लस अब जे कैप वाले से जे कैप का गुणा करो, ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई और जे कैप इंटू जे कैप कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, प्लस फिर के कैप से के कैप का करो तो हो जाएगा ए जेड बी जेड और के कैप इंटू के कैप क्या हो जाएगा, वन। तो ये हो गया आपके पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना। बताइए है क्या कोई समस्या, यानी आई से आई वाले का गुणा करना है, जे से जे वाले का और के से के वाले का, है क्या बोलिए, है समस्या किसी प्रकार की, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी हमने नौ पद में नौ पद का गुणा करने से बचे कि नहीं बचे,
हाँ यस यस आर नो। अब जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी हम परख के देखते हैं इसको, एग्जांपल है आपके पास, ब्लू पेंसिल देते हैं एग्जांपल कि यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू लिखा है थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर जे फोर के कैप, ये आपके पास में दो हैं। अब आपको बोला इनका गुणनफल निकालो, निकालो गुणनफल, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, लिखो टू आई कैप ए का मान डॉट, डॉट ही लगाना है डॉट, अब बी का मान लिखो, वेक्टर बी का थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप, सही है राइट। आप बताइए क्या करोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या करना बताया मैंने, आई कैप से आई कैप का गुणा करो, जे कैप से जे कैप का करो, और के कैप से के कैप का करो, क्लियर है कि नहीं। चलो दो तिया कितना हुआ छः, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस तीन दुनी छः, ठीक, फिर माइनस इंटू प्लस, माइनस पाँच चौके बीस, खत्म। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? आई कैप से आई कैप का, जे कैप से जे कैप का, और के कैप से के कैप का चिन्ह सहित क्या करना है आपको, गुणा करना है। तो दो तीन छः, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस तीन दूनी छः, और ये माइनस इंटू प्लस, माइनस पाँच चौके बीस, प्लस छः से माइनस छः कट गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना आया माइनस ट्वेंटी, समझ गए यस आर नो। और देखिए आप, ये माइनस ट्वेंटी आया तो ये सदिश है क्या दिश है बताओ, ये जो माइनस ट्वेंटी आया ये सदिश है क्या दिश है, बोलो अरे अदिश है कि सदिश है, वो तो बोलो अदिश है, सीधी सी बात, ना वहां तीर का निशान दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, तो कैसी राशि अदिश, तो वही तो बताए थे हम, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आता है अदिश आता है, तो यहां पर भी क्या आ गया अदिश आ गया, समझ में आ गया आप सबको, ठीक है।